नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के चीफ टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस का कहना है कि कोरोना वायरस को कंट्रोल करना अब भी संभव है। उन्होंने इटली, स्पेन, दक्षिण कोरिया और मुंबई के धारावी का उदाहरण देते हुए कहा कि इन जगहों पर स्थिति काफी खराब थी, लेकिन तेजी से कार्यवाही करने से कंट्रोल हो गई। WHO के चीफ का कहना है कि कम्युनिटी एडजस्टमेंट, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेटिंग और सभी बीमारों का इलाज पर फोकस कर कोरोना की चेन को तोड़ना और संक्रमण को खत्म करना संभव है। हर देश की कुछ लिमिट है, जहाँ पाबंदियाँ हट रही है वहाँ संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में सभी लोग एकजुटता और तेजी दिखाएं तो फायदा हो सकता है। दूसरी तरफ WHO के इमरजेंसी प्रोग्राम के हेड डॉक्टर माइक रेयान का कहना है कि मौजूदा हालात में कोरोना वायरस को पूरी तरह खत्म करना मुश्किल लग रहा है। हालांकि भीड़ वाले इलाकों में संक्रमण को रोककर कोरोना की दूसरी लहर के सबसे खराब दौर और फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति से बचा जा सकता है। दुनिया के 196 देशों में दिसंबर 2019 से अब तक कोरोना के 1,26,00,000 केस हो चुके हैं। अब तक 5,59,000 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में 8,21,00,000 केस आए हैं और 22,000 लोगों की मौत हो गई है। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।